Okay, so children, are you seeing something on the screen? Yes, there are bears. And can you count the bears? How many bears are there? Yes, there are three bears. But one girl is also sleeping here. And do you know what is her name? Her name is Goldilocks. What is her name? Goldilocks. Yes. So today, I am going to tell you a very short story about three bears and one Goldilocks. Okay, so Goldilocks, this girl name is Goldilocks. Okay, what is the name of this girl? Goldilocks. Yes. One day, what happened? She wants to play outside. उसने कहा मामा मुझे खेलने जाना है. And मामा said, okay बेटा, it is going to be late, so come fast and don't go far away. आप दूर मत जाना, अब रात होने वाली है, इसलिए ज़्यादा दूर नहीं जाना और जल्दी से घर आ जाना. But उसने मामा की बात को माना ही नहीं, सुना ही नहीं. आप यू आर तो वेरी गुड चिल्ड्रन ना, यू लिसन टू योर मॉम ना. सब बच्चे मम्मा की बात को सुनते हैं ध्यान से. बट गोल्डीलॉक्स भी वैसे तो गुड गर्ल थी, पर उस दिन पता नहीं व्हाट हैपेंड टू हर, शी डिड नॉट लिसन टू मॉम. उसने मम्मा की बात पे ध्यान नहीं किया एंड वो बाहर चली गई. ओके, सो व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज प्लेइंग, देर वाज अ नाइट दैट वाज अ डार्क. यस, डू यू रिमेंबर, इन द नाइट देर वाज मून एंड इन दिस day there is sun. Yes, we have done na. So the night is coming, raat hone wali thi, the night is going to be there. But she forgot her way, wo apna rasta bhool gayi ghar jane ke liye, and she scared, wo dar bhi gayi, and she start walking, wo chalne lagi. But she went somewhere very wrong in the forest, wo jungle mein चली गई, उसको मालूम ही नहीं चला. देर वॉज अ जंगल फॉरेस्ट. यस, यू नो वी कॉल जंगल एज अ फॉरेस्ट ऑल्सो, राइट. स्केर्ड, स्केर्ड मीन्स डर गई. यस, देन शी वेंट टू द फॉरेस्ट, लॉस्ट इन द फॉरेस्ट. एक्चुअली शी वॉज लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में घूम गई. अब उसे पता ही ना चले मैं घर कैसे आऊँ. रो रही है, मामा क्या करूँ, आई एम टायर्ड, आई एम स्कैर्ड ऑल्सो, मुझे डर भी लग रहा है, मैं क्या करूँ, गॉड प्लीज हेल्प मी. अब मैं आगे से मामा की सारी बात मानूंगी, वैसे मन में सोच रही थी. देन व्हाट हैपेंड यू नो, उसको जंगल में शी सॉ अ वेरी ब्यूटिफुल स्मॉल हाउस, वेरी प्रिटी कॉटेज. यस, सो शी एंटर्ड द कॉटेज, वो अंदर गई. एंड What did she saw over there? उसने वहाँ क्या देखा? She saw the bowls with the porridge into it. वहाँ पे टेबल पे थ्री बाउल्स पड़े हुए थे. She counted the bowls, 1, 2, and 3, and she saw what is in it. She saw the porridge. उसको वहाँ पे दलिया था. And she loves to eat porridge. और उसने वो पॉरेज खा लिया क्योंकि she was hungry. उसने एक बाउल उठाया, वन बाउल लिया और खा लिया, बाकी टू बाउल्स उसने नहीं लिए, और उसका टमी जो था वो फुल हो गया. यस, हिज टमी वाज फुल. और फिर वो धीरे से आगे गई, जैसे मूव ऑन हुई तो उसने देखा अरे वहाँ पे स्टेयर्स भी थी, देयर वाज सम स्टेयर्स. या शी गोज अपस्टेयर्स एंड व्हाट डिड शी सॉ देयर, वहाँ पे उसने देखा थ्री बेड्स हैं वहाँ पे, 1, 2, and 3 बेड्स वर देयर. एंड शी स्लीप ऑन वन बेड, वो एक बेड पे जाके सो गई क्योंकि शी वॉज टायर्ड ना, उसका टमी भी फुल हो गया और वो सो गई. तो व्हाट हैपेंड, दिस हाउस वॉज ऑफ थ्री बेयर्स. वो थ्री बेयर्स का हाउस था, पापा बेयर, मम्मा बेयर एंड अ बेबी बेयर, थ्री बेयर्स. ओके, सो व्हाट हैपेंड व्हेन दे एंटर्ड इन द हाउस, दे फाउंड, ओ जब वो घर आए उन्होंने देखा हमारा तो घर में बाउल जो था वो वाइट इज एम्प्टी. मामा बेयर ने बोला मैं व्हेन आई लीव द हाउस द थ्री बाउल्स वर फुल, व्हाई दिस वन बाउल इज एम्प्टी. वो थोड़ा सा हैरान हुई. देन शी लुक हियर एंड देयर एंड देन शी सॉ अ गर्ल वाज स्लीपिंग ऑन द बेड.
So the girl Goldilocks, she was sleeping on one bear's bed. वो एक बियर के बेड पे सो गई थी. तो मम्मा बेयर ने उसे उठाया, प्लीज वेक अप गर्ल, उठो. वो जल्दी से उठ गई. उसने कहा, देन शी सेड, ओह आई एम लेट, आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है, मैं कैसे जाऊंगी अपने घर, आई मिस्ड माय वे, मुझे अपना घर का रास्ता भूल गया, आई एम सो टायर्ड एंड आई जस्ट ईट योर फूड, और मैं आपका खाना खा के यहाँ पे सो गई. देन मामा बेयर सेड, गोल्डीलॉक्स, डोंट डू दीज थिंग्स, यू आर अ गुड गर्ल, आप तो बहुत गुड गर्ल हो, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए. शी सेड, यस माई मामा स्टॉप्ड मी, मेरी मामा ने मुझे मना किया था, बट आई हैव नॉट लिसन टू हर, मैंने उनकी बात नहीं मानी, नाउ आई एम सो सॉरी, व्हाट शुड आई डू. फिर मामा बेयर, पापा बेयर एंड अ बेबी बेयर गोल्डीलॉक्स को उसके घर छोड़ के आए. And Goldilocks promised के अब she will never go out alone. वो घर से बाहर अकेले नहीं जाएगी. And always be a good girl. एक good girl बनेगी और पापा मम्मा के साथ रहेगी. Okay? Yes. So she promised कि she will never go out alone. So you like the story of three bears and one Goldilocks? How many bears were there? Three bears, yes. So this is the page in your maths book. Just look at the page, open the book and see how beautiful they are looking. Yeah, and count them. Okay, my kids? And after that, you have to do one activity. Okay. Yes, children, this is your activity page. So what you have to do is, you have to count how many bears are there. यहाँ पे कितने bears हैं और how many bowls are there? कितने bowls हैं? And you have to trace the number 3. Yes, you have to trace the number 3. Yes, with your finger, not with the color or pencil. And after that, there are 3 beads and you have to count the beads and color. Okay, right. And one more activity is also there. So what you have to do, you have to find out the number 3 for a little bear. You have to help this small bear to find out where is number 3 written. You have to circle it. Okay, good children. So you know this, yeah, here you have to match the bowl with the bears. Kiska kaun sa bowl hai? You have to match it with it. Okay, so this is a home task for you. This is a home task for you. Good. And after that, yes, you have to trace the number. Yeah, first you have to count how many sticks are there. 1, 2, and 3. Yes, count these sticks. And after counting, show me the 3 fingers. Yeah, show me the fingers, 3 fingers from your hand. Okay. Yes. And you have to trace your number 3. Do you remember how do we do it? Yes. So we'll do once more. Okay, children? Right. Yes, here is my color and we are going to do it. So, this is number 3. Yes, so trace it like this. Okay, wait a minute. Yes, now we are going to trace it. Yes, go make a semicircle, then again make a semicircle. Yes, this is number 3. Okay.
Now again we will move. There are curves. Okay, children, just remember, there are curves in three. Yes, just put your finger here and go down slowly, slowly, slowly. Semicircle and one more curve. Yes, actually they are look like semicircle. You can say it curves also, right? One more three is there. Make a curve here and one more curve here. Yes, so this is number three. Yes, good children. So now, yes, you remember me, you have to color into these sticks. Yeah, good children. And here you will match the porridge with the bowl, beer, okay, and do all the activities. So this is the work for today. Okay, enjoy your day and just remember you have to trace number three. Okay, bye bye for today.